الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين اللهم رب زدني علما معزز سامعین حاضرین جمع دینی و ملی بھائیوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں تمام قسم کی بڑائی و بزرگی ہر قسم کی کبریائی ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی عبادتیں ہمارا جینا اور مرنا ہماری زندگی کا ایک لمحہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک مدبر و پالنہار ہے درود و سلام ہوں تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کا موضوع ہے انسانوں کی پیدائش کے بعد تین مراحل
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को पैदा फरमाया और उनके सामने तीन मरहले रखे। हर अगला मरहला अपने पिछले मरहले से ज़्यादा शदीद और ख़ौफनाक मरहला है। जो इन तीनों मराहिल में कामयाब हो गया वही हकीकी कामयाब है, और जो इन तीनों मरहलों में नाकाम हो गया वही असल नाकाम है। सबसे पहला मरहला इंसानी ज़िंदगी का मरहला। इस दुनियावी ज़िंदगी का मरहला, इस दुनियावी ज़िंदगी में इंसानों को दो चैलेंज है, और इस इंसान के दो दुश्मन हैं। एक दुश्मन इंसान का इंसान दुश्मन है, जो उसे हलाक कर देने और इस सफ़े हस्ती से इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म कर देने की कोशिश में है, नित नई साजिशें कर रहा है कि इस्लाम को और इस्लाम के मानने वालों को इस रुए ज़मीन से ख़त्म कर दिया जाए, हलाक कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। और इंसान का दूसरा दुश्मन शैतान दुश्मन, जो इंसानों को सीधी राह से भटका कर बुत परस्ती और शिर्क की गंदगी में उसे ढकेलने और जलालत और गुमराही की गहरी खाई में गिराने की कोशिश में है कि इसे गुमराह कर दिया जाए, इसे सीधी राह से भटका दिया जाए। ये दो दुश्मन हैं, एक दुश्मन इंसान को हलाक कर देने के पीछे लगा हुआ है और दूसरा दुश्मन जो शैतान है वो इंसानों की जलालत और गुमराही के पीछे लगा हुआ है कि इसे किसी तरह गुमराह कर दिया जाए। वो कौन सी चीज है जिस पर अमल कर लिया जाए तो इन दोनों दुश्मनों से बचा जा सकता है, इंसान दुश्मन की हलाकतों से और शैतान दुश्मन की जलालतों से बचा जा सकता है? वो कौन सी चीज है? वो कुरान हकीम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत जुबैर इब्न मुतइम रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहफा के मकाम में थे। जहफा एक जगह का नाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे सवाल किया, अलैसा तशहदून अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला तन्हा कायनात का मालिक है और उसका कोई शरीक नहीं है, व अन्नी रसूलुल्लाह, और क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, व अन्नल कुरान जा मिन इंदिल्लाह, और क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि ये कुरान मुकद्दस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आई हुई किताब है? सहाबा ने कहा, कुलना बला या रसूल अल्लाह।
सहाबा ने कहा, जी हाँ अल्लाह के नबी, हम इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आप अल्लाह के रसूल हैं और कुरान मजीद ये अल्लाह ताला की जानिब से आई हुई किताब है, हम इस बात की गवाही देते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फाबशिरु फइन्ना हाज़ल कुरान तरफहु बियदिल्लाह व तरफहु बियदीकुम। तो ऐ मेरे सहाबा, तुम खुश हो जाओ इसलिए कि कुरान मजीद का एक सिरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है और एक सिरा बंदों के हाथ में है। जैसे कुरान मजीद की किताब है तो कुरान मजीद का एक तरफ ये अल्लाह के हाथ में है और दूसरा किनारा ये बंदों के हाथ में है। गोया कि कुरान मजीद ये बंदों को रब से करीब करने का एक बेहतरीन जरिया है। فَإِنَّ تَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَتَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ, قرآن مجید کا ایک سرہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ بندوں کے ہاتھ میں۔ اس قرآن کے ذریعہ بندہ اپنے رب سے قریب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, فَتَمَسَّكُوا بِهِ, تو تم اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی زندگی کا لائح عمل بنا لو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ فَإِنَّكُمْ لَن تَحْلِكُوا وَلَن تَظِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا, کہ تم انسان دشمن کی ہلاکتوں سے اور شیطان دشمن کی زلالتوں سے بچا لیے جاؤ گے, تم ہرگز ہلاک نہیں کیے جاؤ گے اور تم ہرگز گمراہ نہیں کیے جاؤ گے شیطان دشمن کی گمراہی سے اور انسان دشمن کی ہلاکتوں سے۔ بچنے کا ایک واحد راستہ بتا دیا گیا ہے, فتمسکو بہی, قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جائے۔ اگر عزت کے ساتھ سر اٹھا کر کے دنیا کے اندر جینا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اما ان نبیکم قد قال, کہ تمہارے نبی نے فرمایا ہے, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزع به آخرین, اللہ رب العالمین اس کتاب کا تمسک کرنے والی قوم کو سربلند کرتا ہے اور اس کتاب سے اعراض کرنے والی قوموں کو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو ہمیں اس کتاب سے جڑنا ہوگا, اور اگر ہم اس کتاب سے کٹیں گے تو ذلیل اور خوار ہو جائیں گے اور یہ ہمارا دنیاوی زندگی کا مرحلہ ناکام اور نامراد ہو کر کے رہ جائے گا۔ اسی طریقے سے اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے, قبر کا مرحلہ, جو اس دنیاوی زندگی سے کہیں زیادہ شدید اور خوفناک مرحلہ ہے۔ اس کی شدت اور خوفناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر پہنچتے تھے, یبکی, تو روتے تھے۔ کتنا روتے تھے؟ رونے کا ایک اندازہ بتایا گیا ہے, یبکی, وہ روتے تھے۔ کتنا روتے تھے؟ حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ, یہاں تک کہ آپ کی داڑھیاں تر ہو جاتی تھیں, اس قدر روتے تھے۔ یہ کون ہے رونے والے؟ یہ داماد رسول ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے غزوہ تبوک میں بڑھ چڑھ کر کے
मुसलमानों की इस्लाम की कामयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में माल पेश किया, यो बंदा है जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में मुतअद्दिद मर्तबा जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। इतना बड़ा आदमी उस कब्र की मंजिलों को सोच करके इस कदर रो रहा है कि उसकी दाढ़ियां तर हो जाती है। इतना बड़ा आदमी, बताइए हमें कितना रोना चाहिए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले में हमें कितना रोना चाहिए। हमें तो पूरी जिंदगी रोना चाहिए और हमेशा रोना चाहिए कब्र की तंगी और उसकी सख्ती को देख करके। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत बरा इब्ने आज़िब रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जनाजति रजुल मिन अल अंसार। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी आदमी के जनाजे में निकले। किसी अंसारी आदमी का इंतकाल हो गया था, उसके जनाजे में शरीक होने के लिए निकले। فلما انتهينا الى القبر, सहाबी बयान करते हैं कि हम कब्र तक पहुंच गए। ولما يلحد, और अभी लहद तैयार नहीं हुई थी। فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسنا حوله كأنما رؤوسهم الطير। नबी صلى الله عليه وسلم उसी कब्रिस्तान में एक किनारे बैठ गए, सहाबा भी बैठ गए। इस कब्रिस्तान के किनारे बैठने वाला कौन है? ये वह नबी है जिसके बारे में फरमाया गया, लियग़फिरा लक अल्लाहु मा तकद्दम मिन ज़म्बिक व मा ताख़र, जिसके अगले और पिछले गुनाह माफ किए गए हैं। और नबी के इर्द गिर्द जो बैठे हैं सहाबा, उन सहाबा के बारे में ये बयान कर दिया गया है, उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये मखलूकात में सबसे बेहतरीन मखलूक है। उनके बारे में ये बयान कर दिया गया है, उलाइका लज़ीन इम्तहनल्लाह कुलूबहुम लित्तक्वा, ये सहाबा की वो जमात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द उस कब्रिस्तान में बैठी हुई है, जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने आजमाया तो तकवा से भरा हुआ पाया। ये वो लोग बैठे हैं। आज हम भी कब्रिस्तानों में जाते हैं, आज लोग कब्रिस्तानों के अंदर पहुंचते हैं तो मोबाइलों पर हंस हंस करके बातें करते हैं, जरा भी एहसास तक नहीं होता कितना बदबख्त और बदनसीब आदमी है वो जो एक संजीदा हकीकत को सामने देखते हुए गैर संजीदा हरकतें कर रहा है और मोबाइलों पे हंस हंस करके बातें कर रहा। सहाबा कैसे बैठे थे उनकी एक कैफियत बयान कर दी गई, सिफत कान्नमा रूसहुम तैर। सहाबा अपने नबी के साथ उस कब्रिस्तान के अंदर इस अंदाज में बैठे हुए थे, इतनी खामोशी का मुजाहरा किया जा रहा था कि गोया कि उनके सरों पे परिंदा बैठा हुआ। आज हम कितनी बेहुदा हरकतें करते हैं कब्रिस्तानों में पहुंचने के बाद, कुछ एहसास तक नहीं होता, एहसास मर चुका है ऐसा लगता है। कोई हंस रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई ठट्टा लगा रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, ये हालात हैं हमारे।
وكان في يده عود ينكت في الارض, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی, اسی لکڑی سے زمین کو اسے کرید رہے تھے. اس چھوٹی لکڑی سے زمین کا کریدنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی قبر کی منزلوں کو لے کر کے کتنی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے. اس چھوٹی لکڑی سے زمین کریدنا نبی کے گہری سوچ میں ہونے کی دلیل ہے کہ کتنی گہری سوچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس قبر کی منزلوں کو سوچ کر کے. قبر دیکھا ہے کبھی؟ قبر کے بارے میں کبھی غور کیا ہے کہ قبر کیا ہے؟ قبر ایسے ہوتی ہے نا, ایسے ہوتی ہے نا قبر, ایسے اسی قبر کو ایسے کھڑا کر دیا جائے تو دروازہ بن جاتا ہے. اسی قبر کو جیسے لیٹی ہوئی ہے نا, اسی کو ایسے کھڑا کر دو تو دروازہ بن جاتی ہے. یہ قبر, قبر کتنی چوڑی ہوتی ہے؟ بالکل دروازے کا سائز, 3x5 یا 6, یہ 7 پکڑ لیجئے قد و قامت کے حساب سے, اس سے بڑی قبر نہیں ہوتی. اور سیم یہی سائز دروازے کا ہے, گویا کہ آخرت کی منزل میں داخل ہونے کا یہ پہلا دروازہ ہے جسے قبر کہتے ہیں. اور ابھی جو آدمی دروازے کے اس طرف تھا وہ اچانک تمام رشتوں کو کاٹ کر کے, تمام رشتے داریوں کو ختم کر کے دروازے کے دوسری طرف چلا گیا ہے جو آخرت کی منزل کا پہلا دروازہ ہے. تو یہ قبر ایک دروازہ ہے جو آخرت کی منزل میں داخل ہونے کے لیے ہے. میرے بھائی, چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا, استعیذ باللہ من عذاب القبر, تم اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو عذاب قبر سے. آپ نے 3 بار یا 2 بار آپ نے یہ جملہ فرمایا, تم اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو عذاب قبر سے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ, اور وہ بندہ جسے قبر میں لٹایا جاتا ہے وہ اپنے ان تمام رشتے داروں کی جوتوں کی آواز کو سنتا ہے جو اسے مٹی دے کر کے واپس چلے جانے والے ہیں. اس قبر میں لیٹے ہوئے بندے کو مٹی دے کر کے جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو سنانے کا کیا مقصد ہے؟ کیوں ان کے جوتوں کی آواز سنائی جاتی ہے؟ ان سے ان کا کیا لینا دینا ہے؟ ان سے کون سی رشتہ داری اس کی باقی ہے کہ اسے ان گزرنے والوں کے جوتوں کی آواز سنائی جاتی ہے اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا گیا ہے؟ اس پر غور کیجئے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان گزرنے والوں کے جوتوں کی آواز اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ اس بندے کی حسرتوں میں اضافہ ہو جائے, تاکہ اس کی حسرتوں میں اضافہ ہو جائے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دنیا کی پوری زندگی کو داؤں پر لگا دیا, آخرت کی زندگی کو داؤں پر لگا دیا, اور آج وہ بیٹے, وہ رشتہ دار, وہ دوست اور احباب ہمیں اکیلا تنہا اس شہر خموشہ میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تاکہ اس کی حسرتوں میں اضافہ ہو جائے کہ یہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے, سب جا رہے ہیں اپنے اپنے منزلوں پر میراث بانٹنے, مال تقسیم کرنے جا رہے ہیں,
जिस माल को तुम हराम और हलाल की तमीज किए बगैर जमा किया था उस माल को तकसीम करने जा रहे हैं लोग। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फयातीहि मलकानि फयजलिसानिहि, फिर उसके बाद फरिश्ते आते हैं और उस बंदे को बैठाते हैं, उससे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है, ये पूछा जाता है। मसलक नहीं पूछते, फिरका नहीं पूछते, किसी जमात का कोई तज़किरा नहीं होता कि तुम कौन सी जमात में हो, कौन से फिरके में हो, कौन से मसलक से तुम्हारा ताल्लुक है। नहीं, तेरा रब कौन है वो बता, तेरा दीन क्या है और तेरे नबी जिनकी इत्तेबा का पैरवी का हुक्म दिया गया था, जिनके पीछे चल करके अपनी दुनिया और आखिरत को बनाने का हुक्म दिया गया था, उस नबी के बारे में तुझे क्या इल्म है बता। तो बंदा अपने इल्म के मुताबिक जवाब देता है। अगर वो सही जवाब दे ले जाता है तो उससे फरिश्ते फिर सवाल करते हैं वमा युदरी का, इन सवालों का जवाब तुझे कहां से मिला, कहां से इन जवाबात को हासिल किया तुमने। तो वो बंदा कहता है इस दूसरे मरहले में कामयाब होने का सिर्फ एक ही जरिया है जो ये बंदा जवाब दे रहा है, फरिश्तों का जवाब देता है। वो कहता है करातु किताब अल्लाही वामन्तु बिही वसद्दक्तु, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब को पढ़ा, मैं उस किताब पर ईमान लाया और मैंने उस किताब की तस्दीक की और इसी किताब ने हमें इन सवालों का जवाब बता दिया है। तो पता ही चला कि इस दूसरे मरहले में भी कामयाब होने का सिर्फ एक ही जरिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब को मजबूती के साथ थाम लिया जाए, तो दुनिया के भी सवालात हल हो जाएंगे और आखिरत की मंजिलों के जो सवालात हैं वो भी इस किताब के जरिए हल कर लिए जाएंगे। इस दूसरे मरहले के बाद एक तीसरा मरहला आता है जो इंतहाई शदीद और खौफनाक मरहला, जो इन दोनों मरहलों से ज्यादा शदीद और खौफनाक मरहला है, वो मैदान हश्र का मरहला। मेरे भाई, कोई भी मददगार नहीं है, कोई भी गमखार नहीं है, कोई भी खैरियत लेने वाला नहीं है, कोई भी आपके दुख और दर्द में शरीक होने वाला नहीं है, कोई भी आपका सिफारशी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका नक्शा खींच दिया है यौम यफिर्रु अल-मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कि जिस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, अपनी मां से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपने बेटों से भागेगा, इन तमाम खूनी रिश्तों को बयान करके ये बता दिया गया कि आखिरत में कोई किसी का मददगार साबित नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया जिस दिन इंसानों की आंखें और दिल उसके उलट पलट दिए जाएंगे, जिसके चेहरे उलट पलट दिए जाएंगे, जिनकी आंखें उलट पलट दी जाएंगी, जिस दिन इंसानों का कलेजा मुंह को आ जाएगा, वांजिरहुम यौमल आज़िफति इज़िल क़ुलूब लजल हनाजिर काज़िमीन, कलेजा मुंह को आ जाएगा, आंखें फट जाएंगी, लोग घुटने के बल बैठे हुए होंगे, कोई भी यार मददगार नहीं मिलेगा। अगर ऐसे मरहले में
ऐसे मौके पर अगर कोई आपका मुनिस गमखार, आपकी खैरियत लेने वाला, आपके बारे में सवाल करने वाला और आपका कोई सिफारिशी मिल जाए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आपकी सिफारिश करे, ऐसे भयानक और भौचाली मंजर में, तो फिर उससे बड़ा आपका हमदर्द कौन हो सकता है? उससे बड़ा हमदर्द कोई नहीं हो सकता है जो आपकी गमखारी करने वाला हो और ऐसे मरहले में आपकी गमखारी करने वाला जहां कोई नहीं होगा वहां अल्लाह की किताब कुरान मजीद ये इस तीसरे मरहले में भी आपकी गमखार बन करके, आपका सिफारशी बन करके मैदान महशर में हाजिर होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इकरा कुरान फइन्नहू याती यौमल क़ियामती शफीअन लिअसहाबिही। तुम कुरान मजीद को पढ़ो इसलिए कि क़यामत के दिन यह किताब तुम्हारा सिफारशी बन करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर हाजिर हो जाएगी। तो इस किताब से रिश्ते को मजबूत क्यों ना किया जाए, जिस किताब के जरिया हम दुनियावी मरहले में कामयाब हो सकते हैं, जिस किताब के जरिया आलम बरजख में कामयाबी मिल सकती है, जिस किताब के जरिया मैदान क़यामत में भी हमें कामयाबी मिल सकती है, और जो किताब जहां कोई यारो मददगार नहीं होगा वहां ये किताब सिफारशी और मददगार बनकर के अगर साबित हो रही है तो उस किताब से हम अपने रिश्ते को क्यों ना मजबूत कर लें। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दुनियावी जिंदगी के मरहले को कामयाब करना चाहते हैं तो कुरान हकीम से रिश्ता मजबूत कर लें। कब्र की जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो कुरान मजीद से रिश्ता मजबूत कर लें, और मैदान हश्र में जहां दाएं बंदे के आमाल हैं, बाएं बंदे के आमाल हैं, पीछे बंदे के आमाल हैं, सामने रब्बे जुल जलाल है, कोई भी उसका सिफारशी नहीं है, सिफारशी की शक्ल में सिर्फ यही किताब तुम्हारे सामने आने वाली है, तो इस तीसरे मरहले में भी कामयाबी अगर चाहते हैं तो इस किताब से अपने रिश्तों को मजबूत कर लें। ये चंद बातें थी आज के खुतबे में। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे अल्लाह हमें नेकमल और अच्छे समझ की तौफीक दे। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताबो सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए ज़रियाए नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।